मैं आज बीकानेर से जोधपुर जा रहा हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज बीकानेर से जोधपुर जा रहा हूँ। गुड्डू मुझे छोड़ने आया है। गाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई है दोस्तों। हम सही समय पर आ गए, पानी ले लिया है, अब डिब्बा ढूंढते हैं। अब जोधपुर के रायका बाग स्टेशन पे उतर गया हूँ दोस्तों। अब मैंने होटल में चेक इन कर लिया है। होटल के रूम का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बाहर का नज़ारा देखते हैं, बाहर क्या दिखता है। यहाँ से बाहर का व्यू तो कोई खास नहीं है दोस्तों। रेस्ट करेंगे दोस्तों, चाय का ऑर्डर दे दिया है। चाय और पोहा आ गए हैं दोस्तों। अभी पोहा खा के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। हम डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। गढ़ गोविंद रिसोर्ट, आज शाम का प्रोग्राम यहाँ होगा। लगभग सारा कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपके लिए, आप भी इंजॉय करें। डेकोरेट किया हुआ है। ये मेरे उषा भाभी जी, ये सगी जी, कलकत्ता से आए हैं सगी जी। दूसरे सगी जी ये हैं। अभी डोंगे खाली है दोस्तों, अभी भरे जाएंगे। हम पहले आ गए भाई साहब के साथ में, मेहमान अभी आना शुरू करेंगे। जोधपुर का खाना देख लो दोस्तों। Else,
बहने हैं, जोधपुर रहती है। दोस्तों अब जोधपुर से बीकानेर चलेंगे बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस में। ये अपना डिब्बा है, रिजर्वेशन कराया हुआ था, अब इसमें बैठ जाएंगे। नौका पहुंच गए हैं दोस्तों, अब एसी में चद्दर तकिया कंबल से भी देने लग गए हैं दोस्तों। कोरोना काल में पिछले 2 साल से घर से ले जाने पड़ते थे। बीकानेर पहुंच गए हैं दोस्तों, अब घर चलते हैं। गुड्डू आ गया है हरियाणा, घर जाते हैं।